हेलो एवरीवन। तो आज हम बना रहे हैं दाल मखनी। तो चलिए देखते हैं दाल मखनी कैसे बनाते हैं। पहले तो हम यह काला दाल को भिगो लेंगे थोड़ी देर। आप बिना भिगोए भी बना सकते हैं, ये मैं बिना भिगोए बना रही हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक देके इसको हम बॉईल करने के लिए बिठा देंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने हल्दी ऑलरेडी डाल दिया है, तो ये थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार दे देंगे। और पानी थोड़ा सा ज़्यादा दे दीजिए क्योंकि सीटी बहुत लंबे समय तक मारना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने प्याज थोड़ा सा कट कर लिया है, टमाटर लहसुन अदरक सब कुछ छोटा छोटा करके कट कर लिया है। तो अभी मैं एक यहाँ पे तेल गरम कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाल दिया है लहसुन और ये अदरक। लहसुन और अदरक को तेल में डाल दिया। तो ये डालने के बाद इसको थोड़ा पकाएंगे। और दूसरे साइड में मैंने दाल को बिठा दिया बॉईल होने के लिए। और इस तब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। और इसको थोड़ा पकाने के बाद मैं यहाँ पे जो कट करके रखा हुआ प्याज और टमाटर था उसको भी थोड़ी देर बाद डाल दूँगी। पहले इसको थोड़ा पका लेंगे। और अभी मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कटी हुई प्याज। इसको प्याज को थोड़ा भून लेंगे। अब ब्राउनिश होने तक प्याज को भून लीजिए। इसको मैं पका रही हूँ, ज़्यादा कुछ मसाला मैं डाल नहीं रही हूँ यहाँ पे। बहुत ही सिंपल तरीके से दाल मखनी बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है। तो अभी मैं डाल दूँगी टमाटर। तो टमाटर डालने के बाद यहाँ पे टमाटर को थोड़ी देर पकाना है। दे दिया मैंने टमाटर। यहाँ पर मैंने सारे चीज़ों को अच्छी तरह से पका लिया। आप ध्यान रखिए कि कहीं ये जल ना जाए, तो इसको बीच बीच में ऐसे पकाते रहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे देख लूँगी, मैंने जो दाल भी था बॉयल होने के लिए, ये देखिए ये पूरी तरह से बॉईल हो चुका है बहुत ही अच्छी तरह से। तो इसको मैंने करीब करीब 45 मिनट्स के आसपास तक इसको पकाया दाल को। अभी थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च भी डाल दिया मैंने। यहाँ पे लाल मिर्च दे के इसको थोड़ा पकाएंगे ताकि इसका कलर थोड़ा सा आ जाए। और अभी ये पूरा यहाँ पे मैं डाल लूँगी, जो बॉईल किया हुआ दाल था वहाँ पे डाल दूँगी। तो इसको थोड़ा अभी यहाँ पे पकाएंगे दाल को। आप नमक तेज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने डाल दिया मखाना। मखाना डालने के बाद आप अपने हिसाब से मखाना डाल सकते हैं, ज़्यादा अगर डालना चाहते ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने मीडियम के हिसाब से वो डाल दिया मखाना। अभी मखाना डालने के बाद इसको थोड़ा देर और पकाएंगे। अभी हम कुकर में ढक्कन नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी दाल पक चुका है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे बीट को छोटा छोटा पीसेस करके मैंने डाल लिया ताकि इसका कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। यहाँ पे मैंने बीच में अमूल क्रीम भी डाला है, तो उसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, तो मैं आप लोगों को इसलिए इन्फॉर्म कर रही हूँ। तो अमूल क्रीम भी डालना पड़ेगा इसमें। अमूल क्रीम डालने के बाद मैंने बीट को दिया है, फिर उसके बाद इसको थोड़ा देर पकाया और उसके बाद इसका कलर आया इस तरह से। ये रेडी टू सर्व है अभी। तो आप लोग भी अपने घर में ये ट्राई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।